दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे आईआरवी इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक के बारे में। देखिए पिछले एक महीने में देखोगे स्टॉक के अंदर हमें बहुत सारी चीजें घटित होती हुई नजर आई है। भाई स्टॉक ऑलमोस्ट 58 रुपए से गिर के अभी के टाइम 47-49 रुपए के आसपास देखने को मिल रहा है। देखिए यहां से गिरावट क्यों हो रही है, एंड यहां से गिरावट होगी तो ये कहां तक होगी, क्योंकि देखिए कंटिन्यू शेयर यहां पे फॉल देता हुआ देखने को मिल रहा है। चाहे मार्केट किधर भी जाए शेयर को अभी के टाइम टोटली वोलेटिलिटी ही दिखानी है, जैसा कि आज के अगर आंकड़े देखें एंड कई सारी चीजें इस वीडियो में अपन समझने वाले हैं। एंड उससे पहले आपको एक इंपॉर्टेंट अपडेट दे दूं मैं। देखिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे दूसरे चैनल का लिंक मिल जाएगा, जो हमारा नया चैनल है फेस वाला चैनल है, तो वहाँ पे जाइए सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करें। एंड वहाँ पे देखिए मैं कुछ फेस से वीडियो बनाता हूँ, यानी कि फेस वाली वीडियो होती है वहाँ पे हमारी, तो आप जाके जाइए सपोर्ट करिए। जैसा कि डाटा अगर देखिए टाइम देख ले दोस्तों, आज भी तो शेयर के अंदर हमें 1.5% का फॉल देखने को मिल रहा है। एंड ऑलराउंड इंट्राडे के अंदर 49.49 पैसे का स्टॉक का हाई था, एंड 47.61 पैसे का इंट्राडे लो क्रिएट किया। एंड वॉल्यूम अगर आप देखोगे तो भाई 1.76 करोड़ की वॉल्यूम नजर आई, यानी कि 85 करोड़ के ये शेयर थे जो मार्केट में ट्रेड हुई। भाई अगर 45% की डिलीवरी के अकॉर्डिंग देखें तो भाई स्टॉक के अंदर ऑलमोस्ट अगर हम देखें तो मान के चलो 80 करोड़ के शेयर थे, जिसमें से भाई 35 करोड़ के आसपास का इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हो कि इस गिरावट के अंदर हमें देखने को मिल रहा है। देखिए हाल ही में हमने देखा कि भाई अमेरिका के चुनाव भी आए, एंड पहले चीन के मार्केट में भी पैसा लगा एफआई की तरफ से, एंड करंटली देखोगे एफआई आपका कंटिन्यू सेलिंग कर रहा है, तो ये जो करेक्शन आ रहा है मार्केट बेसिस है, एंड मार्केट की वजह से शेयर के अंदर हमें फॉल देखने को मिल रहा है। एंड इस स्टॉक में तो भाई पहले से ही इसको गिराया जा रहा था, एंड चाह रहे थे कि भाई कुछ बड़ी क्वांटिटी खरीदी जाए, तो उनको एक मौका भी मिल गया। तो इस गिरावट में अगर आप देखोगे कई सारी चीजें हमें घटित होती हुई नजर आई। अभी के टाइम 7000 शेयर में एमओ में पॉजिटिविटी में देखने को मिल रहा है। एंड भाई आज का इंट्राडे का डाटा अगर देखें तो भाई कई सारी चीज़ें हमें नजर आ रही है। सबसे पहले आपको बता दूं मैं इंट्राडे का चार्ट, तो देखिए शुरुआत में शेयर में पॉजिटिव देखने को मिला क्योंकि मार्केट भी ठीक था, मार्केट में भी थोड़ी बहुत पॉजिटिविटी नजर आई, बट जैसे मार्केट नेगेटिव गया तो देख लो स्टॉक के अंदर हमें नेगेटिविटी नजर आ रही है। देखिए आपका आयर इंफ्रास्ट्रक्चर को आप ठीक से समझिए कंपनी करते क्या है। अभी के टाइम कई सारे लोगों के मेरे पास इंस्टाग्राम पर भी कमेंट आते हैं, एंड आपके यूट्यूब पर भी कमेंट आते हैं कि भाई 58 रुपये के लेवल से गिर रहा है, मैंने तो ऑलमोस्ट यहाँ पे 65 के लेवल पर 70 के लेवल पर बाई किया है, तो मैं तो बर्बाद हो गया यहाँ पे, तो कंपनी भाई कंटिन्यू गिर रही है, तो कंपनी आगे क्या करेगी, क्या यहाँ पे हमारा लॉस रिकवर हो पाएगा या हमें लॉस में ही एग्जिट करना पड़ेगा। तो चीज़ों को हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि डाटा भी के टाइम क्या बता रहा है। सबसे पहले हम कंपनी के थोड़ा फाइनेंस की तरफ नजर डालते हैं कि कंपनी का फाइनेंस कैसा है, एंड कंपनी इस फाइनेंस के अकॉर्डिंग लॉन्ग टर्म में क्या कर सकती है, तो एक बार इन चीज़ों को आप समझने की कोशिश करिएगा। क्योंकि पिछले अगर आप 2-3 महीनों में देखोगे तो ऑलमोस्ट भाई शेयर में 68-65 रुपये से गिरता हुआ नजर आ रहा है, ऑलमोस्ट अपने ऑल टाइम हाई से 35% के आसपास की करेक्शन जो गिरावट है वो आ चुकी है। जैसा कि डाटा अगर अभी के टाइम देखें दोस्तों 46 का स्टॉक का पी रेशियो चल रहा है, एंड 28,000-29,000 करोड़ के बीच कंपनी का मार्केट कैप है, एंड 23.1 के स्टॉक की बुक वैल्यू है, एंड 47.80 का स्टॉक का करंट प्राइस है। एंड चार्ट में अगर आप देखोगे एक लंबे समय तक भाई शेयर कंसोलिडेट हुआ, एंड इस कंसोलिडेट के बाद शेयर के अंदर में एक बड़ा फॉल देखने को मिल रहा है, जो कि ऑलमोस्ट भाई 25-30% का हाल ही के अंदर यहाँ पे फॉल दिया है मार्केट के साथ साथ, जो कि वॉल्यूम के साथ। अब यहाँ पे आप देखिए थोड़ी सी बेटर, यानी कि इतने भी वॉल्यूम नहीं है कि मतलब कुछ बड़े प्लेस के अकॉर्डिंग हम कहें कि बहुत बड़ी सेलिंग आई, ऐसा डाटा नजर नहीं आ रहा है। बट जिस प्रकार कंपनी के फाइनेंशियल रिजल्ट आए थे, जहां पे हमने देखा कि जो कंपनी की सेल्स है वो पिछले क्वार्टर से घटती हुई नजर आई, बट लास्ट ईयर क्वार्टर से भी घटती हुई नजर आई, यानी कि देखिए दोनों तरह से देखिए। अगर मैं अभी के टाइम कहूँ कि करेक्शन क्यों आ रहा है, तो दो तरह से करेक्शन आ रहा है, एक तो आपके मार्केट की वजह से आ रहा है, दूसरा आपके क्वार्टर टू के रिजल्ट की वजह से आ रहा है। ये दोनों चीज़ें हमें नेगेटिव देखने को मिले, क्योंकि रिजल्ट में हमने देखा कि कंपनी की जो सेल्स है, जो कंपनी का रेवेन्यू है, लास्ट ईयर क्वार्टर से भी ड्रॉप हो गया, पिछले क्वार्टर से भी ड्रॉप हो गया, तो दोनों तरह से कंपनी का रेवेन्यू ड्रॉप हुआ। इस वजह से थोड़ा सा वोलेटिलिटी हमें नजर आ रही है। मार्जिन कंपनी के सेम है, लास्ट ईयर क्वार्टर से उल्टे 2% बढ़े हैं, कंपनी का इंटरेस्ट भी हमें कोई ज्यादा उतार चढ़ाव देखने को नहीं मिला। प्रॉफिट में अगर देखें तो लास्ट ईयर क्वार्टर 96 करोड़ का प्रॉफिट था, इस क्वार्टर में 100 करोड़ का हो गया, तो कोई बड़ा उतार चढ़ाव नहीं है, ओनली 4 करोड़ का प्रॉफिट बढ़ा है। एंड बट पिछले क्वार्टर से भाई ऑलमोस्ट 40 करोड़ का जो प्रॉफिट है वो हमें घटता हुआ देखने को भी मिला है। तो ये देखिए रिजल्ट की मैंने बता दिया कि गिरावट क्यों हो रही है, एक तो क्वार्टर टू रिजल्ट, ऐसा मार्केट ने एक्सपेक्शन नहीं किया था, मार्केट को आशा नहीं थी कि रिजल्ट कंपनी का ऐसा आ जाएगा, बट ऐसा रिजल्ट आने के बाद आप देख लो शेयर इस पर रिएक्ट भी कर रहा है, कंटिन्यू वोलेटिलिटी दिखा रहा है। बैलेंस शीट कितनी मजबूत हुई अगर ये हम देख लें तो रिजर्व कंपनी का ऑलमोस्ट भाई हमें थोड़ा सा भाई 200 करोड़ का मान के चलो बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। वही कंपनी की जो बॉरोइंग्स है वो 18,653 करोड़ से बढ़कर 18,838 करोड़ की होती हुई नजर आई है। एंड कंपनी के टोटल जो एसेट्स है ऑलमोस्ट अगर देखोगे 44,870 करोड़ के एसेट्स बढ़कर भाई 44,822 करोड़ के हो चुके हैं, यानी कि एसेट्स थोड़ी से घटते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो ये कई सारी चीज़ें रही है जो स्टॉक को गिरावट में भाई अहम भूमिका अभी के टाइम निभा रही है। अब प्रॉब्लम ये है कि गिरावट कहाँ तक जाएगी, इससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ। देखिए सबसे अच्छी बात हमें ये लगी है कि एफआई इस स्टॉक के अंदर एक्टिव है, एफआई ने पिछले क्वार्टर होल्डिंग बढ़ाई है। डीआई का डाटा देखें, डीआई ने भी अपनी होल्डिंग बढ़ाई, यानी कि डीआई भी थोड़ा सा स्टॉक को लेकर पॉजिटिव है, गवर्नमेंट की स्टेबल है, पब्लिक की थोड़ी सी होल्डिंग कम होती हुई नजर आई, जो कि आगे हमारे लिए कुछ पॉजिटिव संकेत यहाँ पे करते हैं कि हाँ भाई चलो अभी के टाइम गिर रहा है, आगे जब रिवर्सल आएगा तो एक झटके में शेयर यहाँ पे रिवर्सल कर देगा जिस प्रकार जब रिवर्सल आएगा, तो ये चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल रही है। अब प्रॉब्लम ये है कि करेक्शन कहाँ तक जा सकता है, तो अभी के टाइम अगर बताऊँ मैं तो देखिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें स्टॉक को लेकर। देखिए गवर्नमेंट के सभी शेयर अभी के टाइम गिर रहे हैं, पहला पॉइंट तो ये होगा। दूसरा ये होगा कि आप रेलवे को देख लो, पावर को देख लो, इंफ्रास्ट्रक्चर को देख लो, सभी हमें गिरते हुए देखने को मिल रहे हैं। खासकर मैं इंडेक्स की बात करूँ कि जो निफ्टी आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है, एक बार उस पर आप नजर डालिए, आज थोड़ा सा पॉजिटिव था बट इतना भी कोई पॉजिटिव देखने को नहीं मिला। एंड अपने ऑल टाइम हाई से अगर देखोगे आपका निफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर, जो निफ्टी इंफ्रा भाई वो अगर ऑल टाइम हाई की बात करूँ मैं, तो ऑल टाइम हाई है ऑलमोस्ट 9,700 का, 9,700 से भाई ऑलमोस्ट गिर के
भी ये टाइम 13-14% गिर चुका है, आ चुका है 8300 के आसपास। तो ये चीज़ें हैं एंड ये इंडेक्स गिरा है, इस वजह से थोड़ी सी नेगेटिविटी यहाँ से भी स्टॉक में आती हुई नजर आ रही है। दूसरी चीज़ अगर मैं स्टॉक की बात करूँ भी टाइम की इंफ्रास्ट्रक्चर का जो IRB है इसमें आगे क्या होगा, कहाँ तक करेक्शन जा सकता है, तो ये चीज़ आप समझिएगा एक बार थोड़ा। देखिए अभी के टाइम इंपॉर्टेंट सपोर्ट है स्टॉक का ऑलमोस्ट 50 रुपये का, जो कि टूटता हुआ देखने को मिला। इसके बाद भाई अगर सपोर्ट टूटा है वोलेटिलिटी बढ़ने वाली है ऑलमोस्ट, ये जो करेक्शन है भाई हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है इस लेवल तक, ऑलमोस्ट इस लेवल तक यानी कि 45 तक के करेक्शन यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं जिस प्रकार अभी के टाइम चार्ट में नजर आ रहा है। अगला जो सपोर्ट है 45 का है, तो ये चीज़ें एंड जो ऊपर वाले जो 50 या 54 का ये रेजिस्टेंस जोन बन चुके हैं, यानी कि अभी तो तोड़ेगा तभी ब्रेकआउट होगा। तो ये चीज़ें एंड देखिए मैं कई सारे एनालिसिस करता हूँ मार्केट के ऊपर कि भाई कौन से शेयरों में क्या होता है एंड कौन से शेयरों को किस टाइम पे खरीदते हैं, यानी कि केस क्या क्या चीज़ें हमें देखनी चाहिए, अच्छे स्टॉक में क्या क्या चीज़ें होती है, तो ये सारी चीज़ें हम अपने दूसरे चैनल पर एनालिसिस करते हैं। तो आप जाइए डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा इस वीडियो की, तो वहाँ पर जाइए सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए।